ये मेरी गाड़ी है और इसके अंदर ये डिफॉल्ट सा प्लेयर लगा हुआ है। इसके अंदर सिर्फ ऑक्स और क्या बोलते हैं इसको, पेन ड्राइव डालने का ऑप्शन आता है बस, और कुछ आता नहीं। और एफएम बजता रहता है। अभी के टाइम में पेन ड्राइव कौन यूज़ करता है, यूज़ भी करता है तो यार कितना झमेला रहता है। इससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि इसको ब्लूटूथ वाला करवा दूँ। मेरे पास ये ब्लूटूथ वाला डिवाइस है पर इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं अभी इसको निकाल के इसके अंदर ब्लूटूथ चिप डालूंगा और फिर आपको आगे दिखाऊंगा कि भी इसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। पहले तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये थोड़े से टूल्स लेके आ गया हूँ मैं, और अंधेरा है बहुत ज़्यादा। अभी मुझे चुल मची हुई थी कि इसको मुझे ब्लूटूथ वाला करना है, तो एक बार ट्राई करके देखेंगे। अगर बाद में रिज़ल्ट नहीं मिला तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बदल दूंगा मैं, पर तब तक के लिए इसको बदल के देखते क्या है ना क्या नहीं, कैसा रिज़ल्ट है मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। मैंने इसको नंगा कर दिया है, इसको निकाल लिया है। अब इसके अंदर भी दो नट है, इसको निकाल लूँगा तो ये पूरा प्लेयर बाहर आ जाएगा। तो मैंने ये प्लेयर खींच कर निकाल लिया, इसके पीछे वायरिंग है, इसको मुझे निकालना रहेगा। मैं फ्लैश कर देता हूँ। हाँ, ये वायरिंग है, इसको निकाल दूंगा। उसके बाद में इसको घर पे ले जाके इसका ऑपरेशन करूँगा पूरी तरीके से। मैंने इसके आगे का हिस्सा निकाल लिया है और ये इसका आगे का हिस्सा, और जो कारीगरी करनी है वो सब इसी में ही करनी है। ये सर्किट ढूँढनी है, सर्किट के बाद में ये है ब्लूटूथ चिप, ये वाली, इसके पॉइंट्स मैं यहाँ पे ऐसे कहीं पे लगा दूंगा डबल साइडेड टेप से पूरा वो करके। इसको पहले मैं इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये चिप में 5 पॉइंट है, पर इसको एक्सटेंशन करके लगाने में मैं ये वाले वायर्स का यूज़ कर रहा हूँ। ये सोल्डरिंग है, इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ इसके ऊपर, फिर इसके बाद में ये इस चिप के यहाँ पर लगा देंगे। तो मैंने इसको सोल्डरिंग से सोल्ड कर दिया है सबको एकदम प्रॉपर तरीके से। अभी जितने लंबे रखना होगा मैं रखूँगा, अगर नहीं लंबा रखना होगा तो इसको मैं काट के अच्छे से पैकिंग करके इसके ऊपर लगाना है। इसके ऊपर मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका सीक्रेट दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने इसकी वायरिंग कर ली है, इसको बस इसको यहाँ पे ऐसे चिपका दूँगा डबल साइड टेप की वजह से, जिससे किसी और सर्किट में डिस्टर्ब ना कर पाए। यह है प्लस, यह है माइनस, और यह है ऑक्स के 3 पॉइंट। इसको पूरी तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। मैंने इसको ग्लू गन से चिपका दिया है, एकदम मजबूत तरीके से चिपक गया है। ये केबल भी हिल रही थी तो इसको भी चोटा दिया है। इसको यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे करके, किसी को पता भी नहीं चलेगा इसके पीछे चीप है। ये रही मेरी ग्लू गन, ठीक है। मैं लगा देता हूँ, पैक करके वापस इसको देखता हूँ। तो मैंने ये लगा दिया है, अब एक बार इसको ये मोड जो है इसको ऑक्स मोड में कर देता हूँ। ये रहा ऑक्स मोड में, और यहाँ पे ब्लूटूथ में जाके इसको ऑन कर देता हूँ। ये मेरे पास दूसरा फ़ोन है, तो ये आ गया है नया डिवाइस, मतलब इसके अंदर जो ब्लूटूथ लगा हुआ है उसका। अभी टूं टूं करके आवाज़ आएगा। हाँ भाई, फिर करने देखो, ये कनेक्टेड भूल गया है। अभी मैं इसमें कोई भी NCS का, चलो ये वाला बजा देता हूँ। इसकी माँ का ऐड आ गया, रुक जाओ पॉज कर देता हूँ। तो ऐड चली गई है और ये बज रहा है, यहाँ पे पूरी तरीके से चालू हो गया है। इसको लगा देता हूँ वापस, आपने देख लिया कैसा रिज़ल्ट है। म्यूज़िक तो अच्छा खासा बज रहा है। अभी मुझे इसको फिक्स करना है वापस, वापस लगा के फिर मैं वापस चेक करता हूँ। इसको वापस सब फिट कर दिया है, और ये लाइट तो देखो, ये वापस से यूट्यूब वाला सबसे पुराना सॉन्ग बजा रहा हूँ, बोर मत हो जाना। I don't wanna waste
face with light. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. स्टॉक प्लेयर को भी आपको ऐसे ही ब्लूटूथ वाला बनाना हो तो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। और कुछ ज़्यादा खास है नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक टाटा बाय बाय।